नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेट में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान भर्तियों का पिटारा, यानी कि आज की आपकी मुख्य खबर क्या है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने फेसबुक पेज में कल रात को जो है 3 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 4 किए थे। वैसे 4 में से एक तो आपको सब यूट्यूब वालों ने, अखबार वालों ने, सब ने जानकारी दे दी। वो था एक तो रीट शिक्षक भर्ती 31,000 पदों का। उसके अलावा 3 और नोटिस जारी किए थे, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। रीट से संबंधित जानकारी मैंने कल आपको बता दी थी। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सारे पद आप देख सकते हो उसमें होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का। तो यहाँ पर आपको नीचे चलना होगा, सारी जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है सभी युवाओं के लिए। क्या है खबर देखिएगा, अभी आप सारी जानकारी देख पाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कल जारी किया था, यह तो रीट भर्ती वाला है, ये रीट वाला ये किया था 6:03 में। इसके बाद 3 नोटिस जारी किए थे, वो आप लोग देख पाएंगे कौन से थे। देखो 6:36 में एक नोटिस आया था, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 17 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के लिए एक एक कनिष्ठ लेखाकार का पद सर्जित करने की स्वीकृति दी गई है। यानी कि लेखाकार वालों के लिए खुशखबरी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के मुख्यालय पर 3 चतुर्श्रेणी कर्मचारी साइकिल सवार के पदों पर भी दी मंजूरी। तो दोस्तों यहाँ पर चतुर्श्रेणी जो कर्मचारी है उसके 3 पदों की मंजूरी दी है। ये पद मुख्यालय पर नवसर्जित पद निर्देशक विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव के लिए स्वीकृत किए गए हैं। उक्त पदों के लिए राजकीय व्यय में मितव्ययता परिपत्र के तहत शीतलन भी प्रदान किया है। तो दोस्तों यह थी मुख्य खबर। इसके अलावा फिर थोड़ी देर बाद एक और नोटिस जारी किया था 6:38 पे मुख्यमंत्री जी ने। देखो यहाँ पर SOG फील्ड यूनिट रतनगढ़ चूरू पनियाला जयपुर ग्रामीण एवं एंटी नारकोटिक्स यूनिट जयपुर के लिए 27 पदों का जो है सर्जन किया मंजूरी दी है। साथ ही चौकियों में टेलीफोन फर्नीचर एवं मोबाइल मोटरसाइकिल सहित अन्य संसाधनों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार इन 3 चौकियों के लिए अतिरिक्त पुलिस अतिरिक्त अधीक्षक के 3 पद हैं, पुलिस निरीक्षक के 3 पद हैं। उप जो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या CBSE बोर्ड का हो, UP, BR, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। पुलिसक निरीक्षक के 3 पद, हेड कांस्टेबल के 3 पद, कांस्टेबल के 12 पद एवं कांस्टेबल ड्राइवर के 3 पद सर्जित किए गए हैं। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 बजट में SOG की 3 यूनिट गठित करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों उन्हीं के तहत यह जो है यहाँ पर नवीन पदों को सर्जन करने का संसाधन उपलब्ध, विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोह के विरुद्ध राज्य पुलिस अभियान को सुदृढ़ करने के एवं मादक पदार्थों तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्यवाही करने में मदद मिलेगी। तो उसी के लिए यह नोटिस जारी किया है, आप लोग देखेंगे। इसके बाद एक और बहुत ही अच्छी खबर है, वो जारी की गई थी 6:44 में। यह मुख्य खबर थी, क्या है दोस्तों देखिएगा। जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त यानी कि चतुर्थ जनजाति क्षेत्र विकास विभाग, यानी कि मांडा के तहत जो आते हैं ना दोस्तों, जनजाति क्षेत्र विकास विभाग मांडा, कार्यालय खोलने को मंजूरी दी गई है। आगे देखिएगा, तो यहाँ पर ये जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मांडा खोलने की मंजूरी, इस कार्यालय के लिए 8 नए पद सर्जित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। 8 जो है नए पद जो है इस कार्यालय में सर्जित करने की यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। साथ ही गौरतलब है कि विश्व आदिवासी दिवस पर 9 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जोधपुर संभाग में जनजाति वर्ग के पिछड़ेपन का अध्ययन कर इसे प्रदेश के अन्य क्षेत्र के बराबर लाने के उद्देश्य जनजाति विकास योजनाओं के गहन पर्यवेक्षण तथा प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में कार्यालय खोलने तथा इसके अतिरिक्त आयुक्त आर एस, दोस्तों देखिएगा, अतिरिक्त आयुक्त आर एस का पद
सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, सूचना सहायक, इनके सभी के एक एक पद होंगे। कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दो दो पद यहाँ पर सर्जन करने को मंजूरी दी है। तो इन्हें तीनों भर्तियों को, जो मैंने तीनों न्यूज़ बताई है, इनको मिला के एक भर्ती आपके लिए निकाली जा सकती है। अब जैसे इनकी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी कि आपका भर्ती निकलेगी या नहीं निकलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी जानकारी हम आपको अपडेट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ आज जो जानकारी थी वो हमें ये जानकारी मिली है, ये आप तक पहुँचाने का हमारा फर्ज था और हमने हमारा फर्ज पूरा किया है। साथ ही में बहुत सारे विद्यार्थी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट करेंगे कि JVNL की भर्ती कब आए। तो दोस्तों, JVNL की भर्ती की अभी कुछ नहीं कर सकते, परंतु मैं आपके लिए लगातार प्रयास करूंगा। अभी दोस्तों मैं प्रयास बहुत कम कर रहा था, मतलब करने की पूरी कोशिश है। मैं जिस दिन भी मीटिंग में गया था, गौरव वगैरह बहुत सारे विद्यार्थी गए थे, तो उस दिन हम जो है बलवान पूनिया से, बलजीत यादव से, इन सबसे मुलाकात की थी दोस्तों। फिर भी हम ज्यादा और भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए भर्ती आए। धन्यवाद मित्रों।